आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्विफ्ट 2022 का यूज़र रिव्यू। मैं हूँ आज अमार भाई के पास। इन्होंने माशाल्लाह स्विफ्ट पहले लम्हे में बुक करवाई थी और इन्हें मिल गई, तो आइए इनसे यूज़र रिव्यू लेते हैं। अमार भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, साहब भी आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो ये बताएं, आपने गाड़ी कब बुक करवाई थी और कब मिली? मैंने गाड़ी बुक करवाई थी एहसान भाई जब गाड़ी लॉन्च हुई थी उसके 3 दिन बाद। सही। और मुझे मेरी टेंटेटिव डेट थी 5 मई थी आई थिंक। सो सही, इन्होंने 10 दिन पहले मुझे मतलब गाड़ी डिलीवर कर दी। सही। तो कितने में बुक करवाई थी आपने? और उस टाइम गाड़ी की इनवॉइस थी 29 लाख और 24,000 फाइनल टैक्स था। सही। तो 29-24 में मुझे गाड़ी पड़ गई थी। सही। तो ये रजिस्टर्ड करवा ली आपने या अभी नहीं करवाई? रजिस्टर्ड मैंने करवा ली है और रजिस्ट्रेशन भी बल्कि मैंने सुजुकी वालों से ही करवाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस पर कितना खर्चा हुआ है? तकरीबन 75-76,000। सही। ये तकरीबन 29-24 हो गए और 75 ये कर लें आप। बिल्कुल। तो तकरीबन 30 लाख में आपको ये गाड़ी पड़ेगी। 30 लाख मुझे मतलब नंबर के साथ गाड़ी पड़ी। अभी आपने कितने किलोमीटर चला ली? गाड़ी मेरी चल चुकी है अभी तक 3,550 किलोमीटर। अच्छा, बहुत चला ली माशाल्लाह आपने। तो इस पर लॉन्ग भी आपने सफ़र किया है या लोकल चलाई है गाड़ी? इसके ऊपर मैंने 2 लॉन्ग ट्रिप्स हुए हैं इसके ऊपर। एक मियाँ वाली का ट्रिप हुआ और एक गुजरा वाली का ट्रिप हुआ। सही। तो कैसा महसूस किया आपने गाड़ी ड्राइव वाइज स्विफ्ट एज कम्पेयर टू हैचबैक कार्स और छोटी गाड़ियों में? हैचबैक उस लिहाज से गाड़ी बहुत अच्छी है। सही। लेकिन एक जैसे सीडान्स होती हैं, सीडान्स वाला सीडान वाला इसके अंदर वो नहीं है, एक पुल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हैचबैक के अंदर ही अपनी कैटेगरी में टॉप ऑफ द लाइन। तो आपने ये कौन सा वेरिएंट जो है आपने ये बुक करवाया था, कौन सा वेरिएंट आपने? मैंने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बुक करवाया था, GLX CVT। सही। तो इसमें तो अगर आप देखें तो 29 लाख में 30 लाख में आपके पास ऑप्शन और भी थे उस टाइम। यारिस थी, होंडा सिटी थी, और इसमें और भी जैपनीज कार थी, एल्सविन थी। तो आप स्विफ्ट की तरफ 29 लाख रुपये में सिटी का बेस वेरियंट आ रहा था। सही। यारिस का भी बेस वेरियंट था। ऐसे ही और ना इतने ऑप्शन है, जो इसके अंदर ऑप्शन है वो टॉप ऑफ द लाइन जेरिस में भी नहीं है और सिटी में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर एक छोटी गाड़ी रिक्वायर्ड भी थी घर के लिए, तो छोटी गाड़ी के लिए मतलब। यानी कि आपके पास और भी इसमें आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर मतलब अपनी एक मेरे पास अपनी सेडान है। सही। तो छोटी गाड़ियों में मतलब ये मतलब शहर के अंदर ये यूज कर रहा हूँ। सही। इसके ऊपर मैंने सिरेमिक कोटिंग भी करवा दी। अच्छा माशाल्लाह, वो बड़ी जरूरी थी। इसका पेंट क्वालिटी इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्योंकि हमारा मकसद तो है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि उनका फायदा भी हो। सिरेमिक ऑटो प्रो नाम और उनके पैकेजेस हैं। मैंने प्लेटिनियम लेवल सर्विस उनसे ली है। सही। और मेरी पूरी गाड़ी सिरेमिक कोटेड है, फ्रंट विंडो मेरी कोटेड है, अलॉय रिम्स कोटेड है। तो ये कि मेरी गाड़ी 3-4 दफ़ा मतलब लोग मार के गए हैं, पता नहीं क्या है, काफ़ी स्क्रैच वगैरह पड़े हुए, लेकिन सिरेमिक की वजह से वो मेरे बॉडी। यानी कि आपको फायदा हुआ है, आप तो 50,000 पूरे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेन बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अच्छा मार भी ये बताएं, आप कह रहे थे कि यारिस से और सिटी से इसके जो है वो ऑप्शंस का फ़र्क है, तो कौन से ऑप्शन है जिनकी वजह से आपने चूज़ किया? आप यारिस भी नहीं गए, आप सिटी भी नहीं गए, या और किसी गाड़ी भी नहीं गई?
पार्किंग सेंसर्स, एडजस्टेबल हेडलाइट्स, सिक्स एयर बैग, बिल्कुल मेन सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं, सिक्स एयर बैग जो आपके सेफ्टी फीचर्स हैं वो इसके अंदर सारे हैं। सही, और सेफ्टी फीचर्स की वजह से ही मैंने गाड़ी चूज़ की है। सही, इसका क्रूज आपने यूज़ किया है? क्रूज इसका सबसे बेस्ट इसका क्रूज है, इसका क्रूज मैंने मिनिमम इसका क्रूज लगता है 43 पे। सही, और मैक्सिमम की कोई लिमिट अभी तक मेरी उसमें नहीं आई है, मैंने 155 तक भी क्रूज यूज़ किया तो वो जा रहा था, रुका नहीं कहीं पे। बड़ी गाड़ियों का मैक्सिमम ये होता है कि 120 तक या 140 तक मैक्सिमम क्रूज खत्म हो जाता है, लेकिन इसका 150 प्लस भी क्रूज चल रहा था। इसमें तो ऑटो लाइट्स भी है ना? ऑटो लाइट्स भी बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर ऑटो एडजस्टेबल लाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, और पार्किंग सेंसर्स खास तौर पे इनके बड़े मुझे मतलब पार्किंग सेंसर भी इसमें है। तो पार्किंग सेंसर यूज करते हैं आप, उसका फायदा होता है आपको? हम तो आपको पता है आसान भी शहर के अंदर चलाना होता है, तो रश के अंदर पीछे कोई भी गाड़ी आ जाए तो पार्किंग सेंसर बोलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ये है कि रिवर्स करते हुए आपको काफी पता लग जाता है कि आप हिट करने वाले हो किसी को। तो सही, दूसरा इसके अंदर वो ट्रैक्शन का भी ऑप्शन है। सही, मेरे नहीं ख्याल से शायद सिटी में या मुझे अभी सिटी में तो ट्रैक्शन नहीं है, नहीं है। और यारिस में भी गालबन मुझे उसका कंफर्म टॉप ऑफ द लाइन में हो सकता है, बेस में मेरे ख्याल में नहीं। तो ये जो पुरानी स्विफ्ट, आपने पुरानी स्विफ्ट भी यूज की है? मैंने मतलब ड्राइव की भी है, तो उसमें कोई फर्क पुरानी में और कोई इंटीरियर वाइज कोई इसमें यानी कि महसूस होता है कि आप किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हैं अब मॉडल में? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद सिविक एक्स में बैठा हूँ। अच्छा, क्योंकि इसका आप इंटीरियर देखें, आप इसके एक्सटीरियर देखें, ये सी मुकम्मल रिडिफाइन हो चुकी है गाड़ी, मुझे कहीं से लगता नहीं है कि शायद सुजुकी वाले भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सुजुकी ने तो बहुत अच्छी चीज़ निकाल दी। तो ये अब देखें जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत है, तो मुझे तो इसका एसी बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपने तो 3500 चलाई है इसे, तो आप क्या कहते हैं आपकी क्या राय है, क्योंकि आपको तो ज़्यादा पता होगा एसी वाइज गाड़ी। एसी में मतलब मुझे अभी तक कहीं पे परेशानी नहीं हुई है, मैंने 42-43 में भी चलाया है, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस बाहर पड़ा था आपके सामने थी जो हीटिंग वाइज थी, तो गर्मी के उसमें मतलब मैं सेटिस्फाई रहा हूँ। एसी इसका परफेक्ट है, थ्रो इसकी बहुत अच्छी है, आप इसके अगर थ्रो चेक करें तो बहुत अच्छी है। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसका। सही, और एसी वाइज मैं सेटिस्फाइड हूँ गाड़ी से। तो इसमें जो अगर मैं बात करूँ इसकी मल्टीमीडिया की, तो इसमें आम गाड़ियों जैसा मल्टीमीडिया या फिर कोई फ़र्क है इसमें या जो आम सुजुकी आप कह लेंगे? इसके मल्टीमीडिया का ऐसा है आसान भाई कि इसका जो पैनल लगा हुआ है मुझे इसका नाम नहीं पता कौन सी कंपनी का पैनल है, चाइना की आते हैं वो तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो है मतलब रिस्पॉन्सिव है। सही, आप किसी चीज़ में लैग फील नहीं होगा आपको, आप नेविगेशन ऑन करें कहीं से भी कहीं पर भी आपको लैग नहीं फील होगा। सही, तो बहुत रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट्स, मतलब आजकल लोग लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में बड़े बड़े पैनल लगवा लेते हैं, वो बहुत स्लो होते हैं, तो उसके मतलब ना कंपैरिजन में बहुत अच्छा पैनल है। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो इसमें जो है वो सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है, और इसका आप थोड़ा कस्टमर्स को बताएंगे? इसके अंदर बेसिकली हाइट एडजस्टमेंट भी है और आप सीट आगे पीछे भी कर सकते हैं, और मेन इसका जो स्टीयरिंग का है वो टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। सही, हम मतलब ऐसे गाड़ियों में नहीं मिलता ये। हाँ, टिल्ट और टेलीस्कोपिक है कि मतलब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको फ्रंट बैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मेन इसके फीचर्स मुझे लगे हैं, इसका स्पोर्ट्स मोड, गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड मतलब मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगे, बिल्कुल ये गियर नॉब के साथ बटन है। स्पोर्ट्स मोड के अंदर बेसिकली होता है ये गाड़ी हाई आरपीएम पे चली जाती है, ठीक है, मतलब अभी छोटे आरपीएम पे जैसे भी मैंने स्पोर्ट्स मोड लगाया है गाड़ी हाई आरपीएम उठाएगी, स्पोर्ट्स मोड बंद करूंगा गाड़ी फिर लो आरपीएम पे। इसमें कितने मोड दे रहे हैं अभी, ये कितने मोड पे ड्राइव हो रही है गाड़ी? टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन। इसके अंदर बेसिकली दो मोड है, एक स्पोर्ट्स मोड है और एक जो उसका मतलब ड्राइव मोड है, बाकी दूसरा एक एल है वो लो गियर का है, मतलब पहाड़ वगैरह पे कहीं पे जा रहे हैं, ठीक हो गया। दो मोड्स हैं। तो ये अभी जो आप जिस तरह आपने पहले भी बताया कि लॉन्ग पे आपने गाड़ी चलाई, तो एवरेज क्या मिली है आपको सिटी में, क्या मिली है और लॉन्ग पे सेटिस्फाई हैं आप एवरेज चीज की? एवरेज से तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी गाड़ी होंडा रिबॉन है, तो उसके मुकाबले में तो आपको पता है बिल्कुल ही रिबॉन के लिए तो फिर पेट्रोल कम चाहिए बहुत, मतलब लॉन्ग के अंदर मुझे तो इसने एवरेज दी है आसान भी तकरीबन 5 बंदे गाड़ी फुल थी हमारी, और जाते हुए इसने मुझे तकरीबन 17-18 की एवरेज दी है। सही, और आते हुए थोड़ा हाइटेड था रोड
और सामान भी ज़्यादा था, डिग्गी फुल थी, तो उस टाइम इसने मुझे 16.5 के लगभग विदेशी और फुली लोडेड था। जी जिस तरह आपने बताया कि फुली लोडेड थी गाड़ी आपकी, तो इसमें मसला हुआ है कुछ? जिस तरह आप तो होंडा चलाने वाले हैं, तो उसमें जिस तरह ग्राउंड क्लीयरेंस का उसमें काफ़ी इशू आता है होंडा में, गाड़ी नीचे लगती है, आप चार बंदे बिठा लें तो गाड़ी नीचे से, तो इसमें कोई ऐसा इशू या इसके अंदर ग्राउंड क्लीयरेंस का तो बिल्कुल इशू नहीं है। मैं काफ़ी मतलब ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर से भी गुजारी है, तो गाड़ी नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। अच्छा हमारे भी ये बताएं कि जिस तरह आप बता रहे थे कि आप लॉन्ग पे गए हैं दो दफ़ा, तो गाड़ी अंडर पावर तो नहीं थी? मैं क्योंकि 1.2 लीटर है ये, तो उसमें कोई गाड़ी आपको अंडर पावर महसूस हुई हो, कोई ऐसा इशू चलने में? नहीं, मैं लॉन्ग पे गया हूँ, मुझे गाड़ी कहीं पे भी अंडर पावर फील नहीं हुई। अपने बॉडी टू वेट रेशो के हिसाब से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि मैंने सिविक एक्स के साथ 0 to 100 भी किया है। अच्छा। गाड़ी का और 0 to 70 हेड टू हेड थी सिविक के साथ। सही। आफ्टर 70 वो गाड़ी फिर ऑब्वियसली वो 1800 निकल गई, लेकिन गाड़ी कहीं से अंडर पावर नहीं है। और मैं मुझे लगता है कि शायद अगर मैं सिटी या यारिस के साथ जो उनके बेस वेरियंट्स हैं उनके साथ अगर कंपेयर करूँ 1.2 या 1.3 के साथ, तो ये उनसे काफ़ी तेज हूँ। व्यूअर्स आएँ आपको उसका 0 to 100 दोनों मोड्स में चेक करवा। जो मेन इशू आता है कंपनी की तरफ से वो इसके टायर्स का इशू है। अच्छा। इन्होंने टायर्स ब्रिजस्टोन के टायर दिए हैं, बहुत अच्छे टायर हैं, लेकिन वो लो प्रोफाइल टायर है। अच्छा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी बड़ी गाड़ी पे बड़ा रिम कर दूं, लो प्रोफाइल टायर करूं, तो वो आपके खड्डों में गाड़ी बम करेगी, आपकी सस्पेंशन खराब करेगी। इसी तरह इस गाड़ी में इन्होंने फैमिली कार बनाई है, लेकिन इन्होंने जो टायर्स और रिम्स दे दिए हैं, रिम्स 16 के रिम्स हैं, लेकिन टायर्स जो ऊपर इन्होंने प्रोफाइल दी है वो बहुत लो प्रोफाइल है, जैसे गाड़ी बम्प्स में बहुत ज्यादा हिट करती है और आप जंप करते हो गाड़ी में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह गाड़ी यहाँ मतलब ये स्विफ्ट इसी तरह आती रही और चलती रही तो ये इसकी सस्पेंशन खराब कर देगी बहुत। आपने भी टायर्स का क्या किया है, अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि टायर उसका आपने कुछ चेंज वगैरह करवाया? टायर्स का मैंने ऐसा किया, टायर्स मैंने इस गाड़ी के चेंज करवा दिए, जो जेन्युइन टायर्स थे वो मैंने देखे, दूसरे टायर्स ले लिए, और मुझे कुछ उसके ऊपर सरप्लस भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि ब्रिजस्टोन के टायर हैं वो महंगे होते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें आपको कोई फर्क महसूस हुआ? मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है, मतलब बम्प्स पे कम है, ऐसा फील हो रहा है कि अब गाड़ी मतलब लेवल है, अब गाड़ी जो एक स्टेबिलिटी है ना वो मुझे फील हो रही है। सही। तो इसमें अगर आप स्पेस की बात करें तो फ्रंट पे तो काफी अच्छी है, तो जो पीछे बंदे बैठते हैं उनका क्या एक रिएक्शन था, कि उसमें क्या रिव्यू था उनका, कि पीछे वाले तंग होते हैं? पीछे वालों का ऐसा है कि अब जैसे और छोटी हैचबैक सेपिकांटो या फिर वैगन आर टाइप या उस तरह की गाड़ियाँ, उनका लेग स्पेस के मुताबिक ठीक है ये गाड़ी। अब आप इसको करोला से कंपेयर करें या होंडा से सिविक से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा सा कम होगा पीछे लेग स्पेस। यानी कि ओवरऑल ठीक है लेग स्पेस, ठीक है, मतलब गाड़ी के हिसाब चार बंदों के लिए लॉन्ग पे बहुत अच्छी गाड़ी है। पांच बंदा हो सकता है, पांचों अगर थोड़ा लंबा हो तो उसके लिए थोड़ा इशू हो जाए। सही। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप बीच में मिस कर रहे हैं कि कंपनी ने नहीं दी भी, जो साथ देनी चाहिए थी, क्योंकि आपने 30 लाख रुपये दिए कंपनी को, तो क्या ऐसी चीज़ है कि आप कहते हैं कि जिस तरह आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आर्म रेस्ट आप मुझे बता रहे थे कि कंपनी का, उसका जरा कस्टमर्स को बताएंगे? अब ये है कि इन्होंने फुल ऑप्शन गाड़ी तो दे दी है, लेकिन एक आर्म रेस्ट अगर इन्होंने एक एड ऑन फीचर रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अजीब सी बात है। टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी में आर्म रेस्ट इंक्लूड होना चाहिए, और आर्म रेस्ट में कंपनी के पास गया हूँ और मैंने आर्म रेस्ट बल्कि उनसे निकलवा के देखा भी है, वो छोटा सा आर्म रेस्ट है और उसकी प्राइस 41,000 है। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्राइस है, ओवर प्राइस है आर्म रेस्ट। और मैं तो अभी वेट करूँ कि शायद आफ्टर मार्केट कोई आर्म रेस्ट है तो मैं मैं 41,000
जब मैं मड फ्लैप पता करने गया हूँ तो चार मड फ्लैप्स प्लास्टिक के ब्लैक कलर में बॉडी कलर में मिली 21,000 के थे। इसी तरह स्पॉयलर भी 32,000 का था। मतलब आपको सारी चीजों के लिए कम से कम 1,20,000-30,000 रुपए चाहिए। 1,20,000-30,000 चाहिए। हालांकि आफ्टर मार्केट आप देखें इतने महंगा सामान नहीं है। तो आपने गाड़ी लेने से पहले जो है वो इसका सामान के बारे में पता किया कि सामान महंगा है इसका या सस्ता है, कोई इस बारे में पता किया आपने या बस? इससे पहले जापानी स्विफ्ट आती थी और उसका भी सामान इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था। सही। और इस स्विफ्ट का ऐसा है कि अब ये पाकिस्तान में असेंबल हो रही है तो सामान आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन देखने से पता लग गया था इसका सामान बहुत महंगा होगा। सामान बहुत, क्योंकि DRL हेडलैम्प्स हैं बिल्कुल और जिनॉन लाइट्स हैं इसमें, बिल्कुल, तो उसकी वजह से सामान तो वाकई में इसका काफी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने अभी तक पता तो नहीं किया, लेकिन ये है कि ये खैर है वो जब अल्लाह ना करे आपको जरूरत पड़े मैं आपको बिल्कुल पता कर दूं। बिल्कुल अल्लाह ना करे, लेकिन इस गाड़ी को इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। हां बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 लाख की गाड़ी है खुदा ना खास्ता। बिल्कुल। तो इसका जो साउंड सिस्टम है उसमें स्पीकर्स वगैरह उसका कैसा है साउंड? साउंड इसका बहुत अच्छा है मेरे, मतलब अपने हिसाब से बहुत मुझे अच्छा साउंड लगे। ऐसे बिल्ड उधर गाड़ियाँ ये करोला वगैरह हो, किसी भी का भी अच्छा साउंड होता है। करोला के साउंड मुझे कभी अच्छा नहीं लगे। अच्छा। तो सुजुकी वालों की तरफ से साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। सही चले, ये तो अच्छी बात है कि इस दफ़ा इन्होंने कोई बेहतरी की है उसमें। जी जी। तो और जो आप एक फीचर की बात कर रहे हैं जो आप मिस करते हैं, एक तो मुझे एक इसके डैशबोर्ड की ये दो वेंट्स नहीं पसंद। अच्छा, क्या वजह? ये वजह ये कि इन्होंने एक पुराने स्विफ्ट का वो दिया है टच, एक इसके साइड दरवाजे में जो उनका ये पैनल है। जी जी। ये इन्होंने जो दिया है टच, ये पुराने स्विफ्ट का दिया है और ये इन्होंने इनका जो मतलब है पुराना टच। मैं चाहता था कि यहाँ पर थोड़ा सा उस तरह के और वो भी जो उन्होंने साइड पे जो पावर बटन वगैरह है वो कन्वेंशनल आम जो इसमें आप कह लें सियाज में भी इसी तरह होते हैं बिल्कुल, और बाकी सुजुकी गाड़ियों में भी इसी तरह ही हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आफ्टर मार्केट आपने इसमें कुछ लगवाया है जो आप यानी कि एक्स्ट्रा आपने करवाया? और सीट्स के जो है ये इसकी फैब्रिक ये लेदर लगवाई हुई है, ये लेदर मिलती है या इसमें फैब्रिक आती है? इसके अंदर तो फैब्रिक आती है, लेकिन मैंने इसके ऊपर लेदर करवा दी है। सही। गाड़ी थोड़ी चले थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो आपको, ऐसे ही है कंफर्टेबल है ये। तो मैं समझे शायद टॉप ऑफ द लाइन मेरे ने भी इन्होंने जो है नहीं से रुके वाले इतने अच्छे नहीं होंगे। सही। इसके अलावा आफ्टर मार्केट के अंदर मैंने गाड़ी के ऊपर एक ब्लैक 3M की शीट कर दी है। सही। और गाड़ी को मैंने पूरा सिरेमिक कोट कर दी है। सही। ये मैंने आफ्टर मार्केट काम करवाया। इसके नीचे जो फॉग लैंप्स आते हैं उसके अंदर आपका हैलोजन बल्ब आता है। जी जी। उसके अंदर मैंने LED कर दी है। सही। मतलब पूरी गाड़ी जगह से वाइट कर दी है लाइट्स में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।